देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,70,000 के करीब पहुंच रही है और हर दिन 10-15% वृद्धि हो रही है, और महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 60,000 से ज़्यादा है। आज से 3 दिन पहले हमने एक मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के बाद जिन कंपनियों को बेचने के लिए परमिशन नहीं थी उन्हें हमने महाराष्ट्र को दवाई दी जाए ये हमने परमिशन दी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें महाराष्ट्र को दवा देने से रोका जा रहा है। ये बात साफ हो गई कि देव दमन के एफडीए ने कहा कि आप महाराष्ट्र को दवा नहीं दे सकते ब्रुक फार्मा को। इस तरह से और कंपनियों पे दबाव डाला गया, और 3 दिन पहले ये मामला सामने आने के बाद लगातार बीजेपी अलग तरीके से इसके अंदर भूमिका ले रही। ब्रुक फार्मा के मालिक को बचाने के लिए विपक्ष के नेता स्वयं दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कागजात और सारी जानकारी देता हूँ, वीडियो भी देता हूँ। जो दवा सिर्फ एक्सपोर्ट की जा सकती थी ब्रुक फार्मा की, वो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं जो पिछली बार अमळनेर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े। हीरा ग्रुप नाम की उनकी कंपनी है, हीरा एग्जीक्यूटिव नाम का उनका होटल है, हीरा के नाम से शराब का ठेका उनका चलता है। ये उनके होटल में स्टॉक उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाने का काम किया। वीडियो हमारे पास है जिसमें लोगों को वे बांट रहे हैं। 8 तारीख के दिन ये काम चौधरी बंधुओं की तरफ से किया गया, फिर 12 तारीख के दिन किया गया। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ब्रुक फार्मा को 17 तारीख से पहले कोई भी परमिशन दी गई थी क्या देश में बेचने की, या हीरा ग्रुप के पास कोई फूड एंड ड्रग का लाइसेंस है, या उन्होंने एजेंसी ली थी क्या? ये सारे सवाल खड़े हुए हैं। अनिल भाई दास पाटिल जो हमारे पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी 14 तारीख को मंत्री महोदय को कंप्लेंट की है कि जलगांव धुलिया और नंदुरबार में ब्रुक फार्मा की रेमडेसिविर बेची जा रही है। हमारी जानकारी है कि ब्रुक फार्मा की दवा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया, सूरत में भी बांटा, महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी 700 इंजेक्शन बांटे गए, लेकिन 20,000 से अधिक इंजेक्शन ये हीरा ग्रुप के माध्यम से काला बाजार करके लोगों को लूटा गया। शिरीष चौधरी ही मंत्री महोदय के पास दरेकर जी को लेकर आए थे कि परमिशन दी जाए। 17 तारीख को परमिशन दी गई, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम 50,000 नहीं 8,000 दे पाएंगे, पहले 60,000 देने की बात कर रहे थे। और उसके बाद दमन के एफडीए ने, दीव दमन के एफडीए ने कहा कि आप महाराष्ट्र को नहीं दे सकते। हमने मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र में कमी है और केंद्र की सरकार रोक रही है एक्सपोर्ट के, ये रेमडेसिविर बनाने वाली अधिकार कंपनियां, अधिकतम कंपनियां ये दीव दमन या गुजरात में है, और संकट के समय भी अगर केंद्र शासित प्रदेश का कोई अधिकारी कहेगा कि महाराष्ट्र को नहीं दिया जा सकता, तो हम जो कह रहे थे वो पूरी तरह से सच्चाई है। जिस तरह से नंदुरबार की घटना सामने आई, उसके बाद कल जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं उन्होंने जिला अधिकारी नंदुरबार को पत्र लिखा है कि इस घटना की जो बिना लाइसेंस के दवाएं बांटी गई, बेची गई, स्टोर की गई, उसकी जांच करके कार्रवाई हो। विधायक जी ने भी मांग की है, हमें आशा है कि निश्चित रूप से इस सारे मामले में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले 3-4 दिन से हमने मुद्दे की बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटका रही थी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रही है, राज्यपाल महोदय के पास जा रही है, स्टॉक नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार रोक रही है, यही हमारा ये आरोप था, जो कागज़ के आधार पे सारी चीज़ें साफ हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परेशान है।
हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश में कोई मोदी एक्ट नाम का कानून आया है जिसमें राज्य में मंत्रियों को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार खत्म हो गया है? क्या मोदी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार राज्यपाल महोदय जी को दे दिया गया है?